एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैनीक्योर और पेडीक्योर। घर पे ही हम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। सो यहाँ मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, मेरे पास है VLCC का पेडीक्योर और मैनीक्योर किट। सो सबसे पहला स्टेप है हैंड एंड फुट क्लिंजर। गुनगुना पानी आपको उतना लेना है जितना आप अपने हाथ पैर पे बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म मत लीजिएगा। इसको आपको अपने पानी में डाल लेना है, गर्म पानी में डाल लेना है एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स। आपको अपने हाथ पैर को इसके अंदर डाल के छोड़ देना है, ओके। ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, बट ट्राई करिए 5 मिनट एटलीस्ट रखिए ताकि उसका असर दिखाई दे। स्टेप टू पे आ जाते हैं हम। स्टेप टू जो है वो है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल हमें अपने नेल्स एरिया के पास लगाना है, गिराना है। तेल है ये एक तरीके का, पर ये स्पेशली बना है हाथ और पैरों के लिए। सो नेल्स के एरिया पे गिराने के बाद आपको उसको मसाज करना है। क्यूटिकल ऑयल से मसाज करने की वजह से हमारे नेल्स पे जो भी डेड स्किन कोने में जमा हो जाते हैं उसको निकालने में हमें आसानी हो जाती है। तो क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद मसाज ज़रूर करिए। यहाँ पे मेरे पास मैनीक्योर पेडीक्योर का एक टूल किट था पहले, तो उसमें से ये एक, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसकी हेल्प से मैं जितने भी नेल्स के कॉर्नर में, दोनों हाथ के दोनों पैर के कॉर्नर में जितना भी डेड स्किन था मैंने उसे निकाला, और लिटरली निकला भी था। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग हम अपने फेस पे तो यूजुअली करते ही रहते हैं, एटलीस्ट वीक में एक बार हम कर ही लेते हैं, पर हमें हाथ पैर में करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज हम जॉब पे जाना है, हमें टाइम नहीं मिलता है, घर देखना है, घर संभालना है। सो हम जब महीने में एक बार भी मैनीक्योर पेडीक्योर कर रहे हैं, ट्राई करें कि हम वो DIY वाला ना करके कोई एक प्रॉपर किट ले ले मैनीक्योर पेडीक्योर का, जिसमें आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। सो अच्छी तरीके से स्क्रब लगाने के बाद ज़रूरी होता है उसका मसाज करना। हम फेस पे ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पर हाथ पैर में करना ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारे हाथ पैर में कितने ही धूल मिट्टी, कितने ही जर्म्स आके चिपक जाते हैं। सो अच्छे से मसाज दीजिए अपने हाथ और पैरों को। मी टाइम लीजिए, आप अपना पर्सनल टाइम निकालिए अपने लिए। स्क्रब करने के बाद आप अपने हाथ पैर को सेम इसी पानी के अंदर वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद ये देखिए मेरे पास है एक स्क्रबर। अब स्क्रबर से हम सबको बताए क्या होता है, हमारे एड़ियों में जितने भी डेड स्किन है वो इजीली निकल जाते हैं, और स्पेशली तब जब हमारे पैर ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं। सो ये एक मेन स्टेप है, इजी वे है अपने पैर से, अपने एड़ियों से डेड स्किन को निकालने का। अब है बारी क्रीम की। हैंड एंड फुट क्रीम है, सेम इसको भी हमें स्क्रब की तरह अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसको मसाज देना है। देखिए वैसे तो किट के ऊपर लिखा है कि कौन से स्टेप को कितना मिनट देना है, पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप बोर हो जा रहे हैं, कंटाला रहा है उतना देर करने में, ट्राई करिए 5 मिनट हर एक स्टेप को 5 मिनट दीजिए। तो इससे क्या होता है ना, जो भी आप क्रीम, जो भी आप स्क्रब यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्टेप कर रहे हो, तो उसका, उस प्रोडक्ट का जो असर है उसको लाइक 5 मिनट तो दीजिए उसका असर दिखाने को। तुरंत 1-2 मिनट में कोई असर नहीं दिखाता है। क्रीम को मैंने उसी पानी में वॉश कर लिया, एक कॉटन कपड़े की, सॉफ्ट कपड़े की हेल्प से मैंने उसको निकाल लिया है। अब लास्ट स्टेप जो है हमारा ये है ऑरेंज एंटी टैन पैक, ओके। इसको हमें लगाना है, और लगाने के बाद जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक आपको इसको हटाना नहीं है। बाकी स्टेप को तो आपने 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट दिया, पर इसको तब तक रखिए जब तक ये सूख ना जाए। सूखने के बाद सेम इसी पानी में पहले वॉश कर लीजिए, फिर आप अपने बाथरूम में जाके, जहाँ आप नहाते हैं वहाँ जाके नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए, साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए, ताकि कहीं कोई बचा कुचा क्रीम वगैरह है तो वो सब निकल जाए, ओके। और लाइक अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए, कुछ रह ना जाए। आप देख लीजिए, वैसे रह जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पर पूरी अच्छी तरीके से निकाल के कॉटन कपड़े से पोंछ के फिर लास्ट में आपको अपने पैर पे लगाना रहेगा मॉइस्चराइज़र लोशन। आप असर देख सकते हैं। सो यहाँ लास्ट में मैं लगा रही हूँ अपने पैर में मॉइस्चराइज़र, और लास्ट में मैंने लगा लिया है नेल पॉलिश। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर, बाय।